वेलकम टू वीलन वीलन में आपका स्वागत है सब्जेक्ट हायर परचेज एंड लीज फाइनेंसिंग सेशन नंबर नाइन टॉपिक कवर्ड इन द सेशन अकाउंटिंग फॉर लीजिस द लीजिंग एन्वायरमेंट अकाउंटिंग बाय द लीजी अकाउंटिंग बाय द लेजर स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स नाउ अकाउंटिंग फॉर लीजिज देखिए लीजिंग जो है हम चार तरह से इनकी इनको डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले लीजिंग इन्वायरमेंट हु आर प्लेयर्स प्लेयर्स कौन कौन होते हैं एडवांटेज ऑफ लीजिंग लीजिंग के क्या फ़ायदे हैं कंसेप्चुअल नेचर ऑफ लीज और लीज का जो कंसेप्चुअल नेचर होता है उसकी प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है अकाउंटिंग बाई लीजी लीजी के अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं या अपनी बुक में लीजी जो है किस तरह के अकाउंट तैयार करता है पहला कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया वो यूज करता है नेक्स्ट अकाउंटिंग डिफरेंसेस, देन कैपिटल लीज मेथड, देन ऑपरेटिंग मेथड और कंपैरिजन इनमें से वो कुछ भी कर सकता है या सभी मेथड्स को यूज कर सकता है अकाउंटिंग बाई लेजर इकोनॉमिक्स ऑफ लीजिंग क्लासिफिकेशन डायरेक्ट फाइनेंसिंग मैथड्स एंड ऑपरेटिंग मैथड्स इनमें से कोई भी एक मैथड या सभी मैथड्स का यूज कर सकता है इसके बाद स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रेजिडुअल वैल्यूज सेल्स टाइप लीज बार्गेन परचेज ऑप्शन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट करंट वर्सेस नॉन करंट डिस्क्लोजर्स अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ये सब की सब स्पेशल प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं नाउ द लीजिंग एनवायरनमेंट। अ लीज इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन ए लेजर एंड ए लेजी लेजर और लेजी दो पार्टी होते हैं दैट गिवस द लेजी द राइट टू यूज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ओन्ड बाई द लेजर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि इंट्रोडक्शन से लेकर के अब तक सभी सेशन में मैंने आपको इनकी डेफिनेशन इनकी सिग्निफिकेंस एग्रीमेंट किस तरह से होता है ये सभी समझाया है यहां पर केवल एक समरी ली गई है लीज, लीजिंग एनवायरमेंट के लिए तो लीजिंग एनवायरनमेंट में क्या है यह एक एग्रीमेंट का परिणाम होता है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज लेजर जो ऑनर होता है गुड्स का और लेजी जो गुड्स का राइट लेता है यूज करने का अनाउ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लीज्ड इक्विपमेंट इन वर्ब्ड लीज इक्विपमेंट के अंदर जो है या किस किस गुड्स को हम लीज में खरीदते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट आते हैं उनको हम जो है इस मेथड से परचेज करते हैं क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है ट्रांसपोर्टेशन इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रक्स एयरक्राफ्ट रेल्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड एग्रीकल्चर लीजिंग एनवायरमेंट के अंदर हु आर द प्लेयर्स कौन कौन प्लेयर्स होते हैं बेसिकली लीजिंग एन्वायरमेंट में तीन प्लेयर्स होते हैं एक बैंक नेक्स्ट इज कैप्टिव लीजिंग कंपनी और थर्ड बन इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू परचेज द लीज तो इस तरह से तीन प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लीजिंग एन्वायरमेंट एडवांटेजेज ऑफ लीजिंग पहला जो होता है हंड्रेड परसेंट फाइनेंसिंग एट फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और आपका फाइनेंस हंड्रेड परसेंट होता है सबसे बड़ा जो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑब्सोलेंसिस और डैमेज तीसरा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेबिलिटी होती है कभी भी आप इसे चेंज कर सकते हैं चौथा एडवांटेज यूज होता है लेस कॉस्टली फाइनेंसिंग और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लीज के अंदर सबसे कम होता है फिफ्थ टैक्स एडवांटेजेज आपको मिलते हैं और सिक्स एडवांटेज ऑफ बैलेंस फाइनेंसिंग भी लीज फाइनेंसिंग के अंदर होती है कंसेप्चुअल नेचर ऑफ ए लीज कैपिटलाइज अ लीज

वो ट्रांसफर नहीं होती उसको हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं जैसा मैंने सेशन नंबर एट में एक्सप्लेन किया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीज का नाउ लीजिंग एनवायरमेंट के अंदर द इश्यू ऑफ हाउ टू रिपोर्ट लीज़ेस इज द केस ऑफ सब्सटेंस वर्सेस फॉर्म ऑल दो टेक्निकली लीगल टाइटल में नॉट पास द बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी डू अब यहाँ पर जनरल एंट्रीज जो हैं ऑपरेटिंग लीज और कैपिटल लीज के अंदर किस तरह से होती हैं ऑपरेटिंग लीज के अंदर जर्नल एंट्री रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जबकि कैपिटल लीज के अंदर क्या होता है हम कैपिटल इक्विपमेंट लेते हैं तो उस केस में लीज रिक्वेपमेंट अकाउंट डेबिट टू लीज ऑब्लिगेशन अकाउंट अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ द प्रॉपर्टी ओनरशिप शुड बी कैपिटलाइज्ड ओनली नॉन कैंसिलेबल लीजेस में बी कैपिटलाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर थर्टीन वाज श्यूड इन अकाउंटिंग फॉर लीजिस नाइनटीन एट्टी उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है अकाउंटिंग बाय द लेजी इफ द लेजी कैपिटलाइज ए लीज द लेजी रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स एंड ए लाबिलिटी जनरली इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेंटल पेमेंट जो रेंटल पेमेंट होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करता है और उसमें जो इंक्लूड करता है रिकॉर्ड्स द एप्रीसिएशन ऑन द लीज एसेट्स लीज एसेट्स का जो भी ड्रीसिएशन होगा उसको रिकॉर्ड करेगा ट्रीट्स द लीज पेमेंट एज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल और जो लीज पेमेंट वो पे करता है उसको अमाउंट की तरह ट्रीट करता है और अमाउंट क्या होता है अमाउंट मीन्स पी प्लस आई दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उंटिंग बाई लेजी टू रिकॉर्ड ए लीज एज ए कैपिटल लीज द लीज मस्ट बी नॉन कैंसलेबल वन और मोर ऑफ फोर क्राइटेरिया मस्ट बी मेट ये क्राइटेरिया होते हैं जब आप अकाउंट तैयार करते हैं लेजी की बुक में पहला पॉइंट ट्रांसफर्स ओनरशिप टू द लेजी सेकेंड कंटेन ए बार्गेन परचेज ऑप्शन थर्ड लीज टर्म इज इक्वल टू और ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग एग्जीक्यूटरी कॉस्ट इक्वल और एक्सीड्स नाइन्टी परसेंट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड प्रॉपर्टी तो ये क्राइटीरिया हम यूज करते हैं जब अकाउंटिंग बाई द लीजी या लीजी की बुक में जब अकाउंट्स तैयार करते हैं रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट नाइंटी परसेंट टेस्ट के लिए डिस्काउंट रेट लीजी कंप्यूटर कंप्यूट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट्स यूजिंग इट्स इंक्रीमेंटल बॉरोग रेट विथ वन एक्सेप्स इफ द लेजी नोज द एम्पलीसिट इंटरेस्ट रेट कंप्यूटेड बाई द लेजर एंड इट इज लेस देन द लीजीज इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट देन लीजी मस्ट यूज द लैजर्स रेट रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टैक्स नाइन्टी परसेंट के लिए किस तरह से हम जो है कैलकुलेट करते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स मिनिमम रेंटल पेमेंट गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू पेनल्टी फॉर फेलर टू रिन्यू बार्गेन परचेज ऑप्शंस, ये सभी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉस्ट के लिए इंश्योरेंस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टैक्सेस एक्सक्लूड फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैलकुलेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटी अकाउंटेड फॉर डिफरेंटली अलग अलग तरह से हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ इन दोनों में जो भी कम होगा वो अमाउंट हम जो है रिकॉर्ड करते हैं जैसे पहला द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग एग्जीक्यूटरी कॉस्ट

and next is if lease does not transfer ownership depreciate over the term of the lease now example capital lease with unguaranteed residual value on january 1 2007 Burke corporation signed a 5 years non cancellable lease for a machine the terms of the lease can called for Burke to make annual payment of rupees eight thousand six hundred sixty-eight at the beginning of each year, starting January 1, thousand seven, the machine has an estimated useful life of six years and a rupees five thousand unguaranteed residual value. Burke uses the straight-line method of depreciation for all of its plant assets. Burke's incremental borrowing rate is 10% and the ledger simplicity rate is unknown and now calculate or instructions what type of lease is this explain point second compute the present value of minimum lease payment and third one prepare all journal entries for burke K through january 1 2008 नाउ सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन जो था आपके एग्जाम्पल का वट टाइप ऑफ लीज इज दिस एक्सप्लेन तो लीज कौन सी है ये कैपिटल लीज क्यू है कैपिटल क्यों लीज क्योंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैपिटल लीज के अंदर यह तीन चीज सम्मिलित होती है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बार्गेन परचेज ऑप्शन एंड लीज टर्म 75% of economic life of leased property. This is the conclusion. Lease term 5 years, economic life 6 years, and present value of minimum lease payment 90% of fair market value of property, and fair market value of leased property is unknown. सो द लीज टर्म्स फाइव ईयर्स हैं और इकोनिक इकोनॉमिक लाइफ जो है सिक्स ईयर्स है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नो बार्गेन परचेज ऑप्शन नो एना प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पेमेंट रुपीज शिक्ष्ट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट फॉर फाइव ईयर्स विच इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन सिक्स नाइन एट सिक्स दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इक्वल टू रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर नाउ जनरल एंट्री फॉर दैट फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवन लीज मशीन अंडर कैपिटल लीज अकाउंट डेबिट

लाइक दिस वन लीज एमोटाइजेशन शेड्यूल डेट फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवन टोटल पेमेंट आपका थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर टोटल लेबलिटी हो गई लीज की फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवन को लीज पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट और ये आपके लेबिलिटी से भी रिडक्शन होगा एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट का और बैलेंस आपका फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवन को जो बचेगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवनटी सिक्स इसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर दैट मीन्स थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवन आपको दोबारा से पेमेंट देना है एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट जिसमें टेन परसेंट इंटरेस्ट का खर्चा है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी एट जो आपके ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स पर टेन परसेंट चार्ज किया गया है दोनों को माइनस अगर करते हैं तो लेबिलिटी आपकी रिडक्शन होगी 5920 थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी दैट मींस एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी एट विच इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी और इसको जो है फाइव हंड्रेड नाइन थाउजेंड ट्वेंटी को ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स से माइनस करते हैं तो आपको बैलेंस लेबिलिटी ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इसके बाद नेक्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एट लीज पेमेंट आपने फिर किया एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट का जिसमें इंटरेस्ट सम्मिलित था टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स नेट अमाउंट रिड्यूस फ्रॉम द लेबिलिटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट फोर जीरो एंड बैलेंस अमाउंट फिफ्टीन थाउजेंड फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो इसके बाद थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइन लीज पेमेंट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट इंटरेस्ट फिफ्टीन हंड्रेड फोर लेबिल्टी रिडक्शन सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स फोर एंड बैलेंस सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स एंड एट द एंड ऑफ द टू थाउजेंड टेन लीज पेमेंट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट इंटरेस्ट पेमेंट सब सेवन हंड्रेड एट्टी एट एंड रिडक्शन ऑफ लेबलिटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी एंड बैलेंस इज जीरो तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जनरल एंट्रीज फॉर वर्क के थ्रू जनवरी फर्स्ट डेप्रीसीन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन टू अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन विच कैन बी कैलकुलेटेड एज थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई फाइव क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं एवरी ईयर आप सेम डन चार्ज करेंगे देन इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी एट फोर फर्स्ट ईयर टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी एट एंड इट इज कैलकुलेटेड एज थर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर टोटल अमाउंट और टोटल लेबिलिटी माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट मल्टीप्लाई पॉइंट वन जीरो क्योंकि टेन परसेंट आपका इंटरेस्ट है तो उससे आपके ये अमाउंट आएगा देन General entry 2008 lease liability account debit 5920. Interest payable account debit 2748. Two cash account payable of the liability 8668. Comparison of capital lease with operating lease. Capital lease 2007 depreciation expense 7229. Interest expense 2748. टोटल नाइन थाउजेंड नाइन नाइन हंड्रेड सेवेंटी सेवन ऑपरेटिंग लीज की अगर हम बात करते हैं तो आपने एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट पे किया है दोनों का डिफरेंस जो है वन थाउजेंड थ्री जीरो नाइन होगा इस तरह से डिफरेंस आपका कम होता चला जाएगा और एक स्टेज पर जा करके ज़ीरो हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल लीज में इनिशियल पेमेंट हायर होता है और ऑपरेटिंग लीज में पेमेंट सेम होता है अकाउंटिंग बाई द लेजर बेनिफिट टू द लेजर लेजर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं पहला बेनिफिट्स है इंटरेस्ट रेवेन्यू उसको इंटरेस्ट जो है कंटिन्यू मिलता रहता है टैक्स इंसेंटिव होते रहते हैं हाई रेजिडल वैल्यू जो है मिल जाती है अकाउंटिंग बाई द लेजर इकोनॉमिक ऑफ लीजिंग आ लेजर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द रेंटल वेस्ट ऑन द रेट ऑफ रिटर्न needed to justify leasing the assets. If a residual value is involved, whether guaranteed or not, the company would not have to recover as much from the lease payments. और इस तरह से आप अन्य एग्जांपल शो कर सकते हैं, अन्य एग्जांपल जो है सॉर्ब कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन नीचे दिया गया है इस तरह से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं देन अकाउंटिंग बाय द लेजर क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेज बाय द लेजर ऑपरेटिंग लीजेज डायरेक्ट फाइनेंस लीजेज एंड सेल्स टाइप लीजेज अकाउंटिंग बाय द लेजर डायरेक्ट फाइनेंसिंग मेथड इन सब्सटेंस द फाइनेंसिंग ऑफ द एन एसेट्स परचेज बाई द लेजी अकाउंटिंग बाई द लेजर

उसके बाद अकाउंटिंग बाई द लेजर ऑपरेटिंग मैथड्स रिकॉर्ड्स ईच रेंटल रिसीट एज रेंटल रेवेन्यू डेप्रीसीट द लीज एसेट्स इन द नॉर्मल मैनर्स इसके बाद स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स लाइक रेजिडुअल वैल्यूज सेल्स टाइप लीज बार्गेन परचेज ऑप्शन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट करंट वर्सेज नॉन करंट क्लासिफिकेशन एंड सम डिस्कलोजर आर के बनेर लाइक रेजिडुअल वैल्यू लीज अकाउंटिंग फॉर रेजिडुअल वैल्यू The accounting consequences is that the minimum lease payment include the guaranteed residual value but exclude the unguaranteed residual value. और इसको आप एक क्लस्टेशन से मैंने यहां क्ल कलेफिकेशन इसका दिया है विद सॉल्यूशन uh, ये आपका सॉल्यूशन है उसके बाद स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रेजिडुअल वैल्यूज लेजर अकाउंटिंग फॉर रेजिडुअल वैल्यू लेजर वर्क ऑन द एजम्पन्स दैट इट विल रिलाइज द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वेदर गारंटीड और अनगारंटीड तो इस तरह से इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस विद प्रॉब्लम्स आपको यहां दी गई हैं और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो हैं एट द एंड ऑफ द सेशन आप इनको एक्सप्लेन करेंगे पहला पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर इकोनॉमिक सब्सटेंस एंड एडवांटेज ऑफ द लीज ट्रांजेक्शन सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द अकाउंटिंग क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स फॉर कैपिटलाइजिंग लीज बाय द लीजी थर्ड कंट्रास्ट द ऑपरेटिंग एंड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग लीज क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ लीजिज फॉर द लेजर क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्क्राइब द लेजर्स अकाउंटिंग फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग लीज एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स Identify special features of lease arrangement that cause unique accounting problems. And that's it from session number nine. Thank you.